भैया अंडे देना। कितने देने हैं? 6 कर दीजिएगा। ठीक है। अरे कोंडम वाली लड़की है ना ये? अरे वीडियो देखी थी? वही है ये? हाँ वही है। क्या बात कर रहा है? अरे वही है यार। क्या बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ भैया। वही है? हाँ भैया। भैया? तेरे को भैया ये भैया। भैया। लस्सी दो भैया। हाँ क्या चाहिए? कॉन्डम देना, हनीमून पैक, चॉकलेट फ्लेवर। ओ, आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। कौन सी वीडियो? अरे वो वाली जो केमिस्ट वायरल हो रही है। कॉन्डम वीडियो? जी। वैसे कॉन्डम बोलना शर्म की बात नहीं क्या? मेरी बस जी। पापड़ पापड़ रखियो। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? एकदम बढ़िया। ठीक है ना? हाँ जी। आप कैसे? बढ़िया बढ़िया, घर में सब ठीक है? अच्छा चलो। है ना, पता है तुम्हें किसकी लड़की है? किसकी लड़की है? शर्मा जी की। अच्छा, कैसी गंदी गंदी वीडियो बनाती रहती है यूट्यूब पर में। अच्छा, वही है क्या? तुम तो अच्छा ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी बहन की लड़की है। गले तो तुम ऐसे मिल रहे थे। मेरी लड़की होती ना मैं इसकी टांगे तोड़ देती। सही बात। चलो यहाँ से, पूरी सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा है सरकी ने। सही बात, चलो चलो। अरे गुप्ता जी चाय लीजिए। अरे चाय वाय तो ठीक है, लेकिन अपनी बच्ची बहुत बढ़िया काम कर रही है, मतलब मजा आ गया देख के। अरे बचपन से उसका बड़ा मन था एक्टिंग करने का, मैंने करो। लेकिन दिल को ठेस तब पहुँचती है जब सोसाइटी वाले उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब वो आपने देखा ही होगा वीडियो था ही ऐसा। अरे वो था ना, उनको अभी वो देखा नहीं था आपने? कॉन्डम वीडियो अंदर। अरे बेटा तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ा बस। गुप्ता जी क्या हो गया? कॉन्डम कोई इतनी गलत चीज़ तो है ना, दुनिया यूज कर रही है। अब वीडियो बन गया तो क्या हो गया, और दिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई गलत चीज़ है कौन? बात तो सही है, लेकिन अब इस तरह से हमारी सोच तो वैसी सोच बदलनी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए इतना। मम्मी वो लड़की बुलाओ ना, इतनी देर हो गई। पहले मेरा पल्लू छोड़ छोड़ और ढंग से बैठ। अरे ये तो बच्चे मम्मी है। सुनते हो, बहुत हो गई हंसी मजाक, लड़की को बुलवाओ। अरे यार, अरे वो भाभी जी नए बच्चे हैं इनकी उम्र मतलब है ना, तो एक बार बुला लेते लड़की को, तो बच्चे आपस में बात कर लेते। तो लगता है बड़ी शर्मीली है लड़की। हाँ नहीं, एक्टिंग करती है लेकिन है बहुत शर्मीली है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ जी जी। तो बेटा सबको चाय दो। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा रखो दो रख दो। अरे लो हम ले लेंगे, तुम बैठो आराम से बैठो। बेटा आओ बेटा। अरे अच्छा।
अरे वो बच्चे थोड़ा सा बेटा आ जाओ इधर इधर बैठो, हमारी फैमिली जरा मॉडर्न है। हां मॉडर्न तो है मेरी मम्मी। जाना हम 5-10 मिनट बात कर लेंगे बेटा। क्या हुआ? मैंने वीडियो में देख ली। वीडियो में एक्टिंग करती है ना लड़की। वैसी सी कॉन्डम वाली वीडियो राइट? हाँ तो क्या हो गया कॉन्डम वाली वीडियो की है तो इसमें क्या बुराई है? आप तो मॉडर्न फैमिली है ना, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुराई आपकी सोच में है। वाह जी वाह, हमारी सोच में बुराई है और आपकी बेटी जो ये कॉन्डम की वीडियो करती फिरती रहती है वो। अरे मामा पहने दो, मैं बात करती हूँ उस मॉडर्न फैमिली से। क्यों आंटी क्या बुराई है कॉन्डम वाली वीडियो में? अंकल ने कभी यूज नहीं किया। अरे क्या बात कर रही है, अंकल मेरा भी यूज करेगा शादी के बाद। क्यों करेगा ना? अरे चुप कर, क्या बोली जा रहा है? और आपकी लड़की कितनी बेशर्म है, इसको कुछ क्या संस्कार सिखाया आपने? कुछ नहीं, बहुत बदतमीज, संस्कार के नाम की चीज नहीं है इसमें, दो नंबर की संस्कार नहीं है इसमें। अरे चलिए आप, मैं कहती हूं क्या चले ऐसे घर में शादी नहीं करवा रहे कि नहीं उसने किया है बेटा, इतना गलती की बात कर रहे हैं। कंडोम कंडोम कर, चलिए ना, आप तो कह रही हो ना, चलिए हमें भी नहीं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करनी। हमें भी कोई शौक नहीं है अपनी बेटे की, अपनी बेटी से शादी कराने की। अरे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, आप नहीं यूज करते क्या कॉन्डम का? अरे थैंक यू सो मच हमारी कॉन्डम वाली वीडियो को एक वायरल वीडियो बनाने के लिए। वी वॉन्ट टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियो सो दैट यू हैव फन वॉचिंग दैम। बहुत अच्छा लगता है आपका इतना सारा प्यार पाकर। जब हमने वीडियो शूट की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि एक वायरल बनेगी और आपको इतनी पसंद आएगी। हम आपके कमेंट बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे एक्टर्स पे अननेसेसरीली अटैक मत कीजिए, इट इज़ जस्ट एक्टिंग दैट दे आर डूइंग। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या आप उसे देखना नहीं चाहते तो आप उस पर अनलाइक का बटन हिट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर बोलना दिल पर लगता है, इट रियली हर्ट्स। सो इतना ही कहना चाहूँगी कि वी आर एक्टर्स एंड वी आर डूइंग आवर वर्क, वी आर ट्राइंग टू डूइंग आवर वर्क एंड वी वॉन्ट टू मेक यू लाफ एंड एक्चुअली वी आर डूइंग इट प्रिटी वेल आई थिंक। तो अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आए तो प्लीज़ हमें लिखिए, हम पढ़ते हैं एंड आपके जो फीडबैक्स होते हैं उन पर काम करते हैं ताकि आपके लिए और बेटर और अच्छा वीडियो ला सके। सो दैट्स इट। और ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी बहुत मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं जब मैंने ये वीडियो शूट की एंड देन इट वेंट वायरल। तो कभी कभी होता है कि आप जा रहे हो एंड सडनली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू कि हाँ आपकी वो वीडियो देखी थी, स्ट्रेंजर्स आते हैं आपके पास कि हाँ हमने आपकी वो वीडियो देखी एंड वी रियली लाइक इट, बहुत ही फनी है और हम बार बार देखते हैं और हम शेयर भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। तो दिस इज लाइक आई मीन समथिंग फॉर मी एज एन एक्टर, दिस इज लाइक एवरीथिंग। सो कीप वॉचिंग ग्लिंट टीवी, हम और भी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे आई प्रोमिस। एंड हालांकि कमेंट में काफ़ी लोगों ने मेरा नाम पूछा तो मैं बता ही देती हूँ, आई एम दीपा। थैंक यू।